हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है ओट्स स्मूदी। ये एक बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, साथ ही इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो ये आपको पूरे दिन एनर्जी देती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ओट्स स्मूदी बनाने के लिए हमने लिया है एक छोटी कटोरी ओट्स, साथ ही हमने लिए हैं डेट्स, जिनको हम छुआरे भी बोलते हैं। इनके हमने अंदर से बीज निकाल दिए हैं। साथ ही हमने लिया है 2 ग्लास मिल्क, कुछ आइस क्यूब और बादाम को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओट्स को एक दूसरे बाउल में लेंगे और उसमें गरम पानी डालेंगे। हम पानी सिर्फ उतना लेंगे जितने में हमारे ओट्स अच्छे से डिप हो जाएं। इनको हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो आप गरम दूध के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप उसमें गरम दूध का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, ओट्स हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। हम इसको अब एक ग्राइंडर में डाल लेंगे, साथ ही हम इसमें डेट्स भी डाल देंगे, जिनको हम छुआरे बोलते हैं। हमने स्वीटनेस के लिए सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल किया है, एक्स्ट्रा कोई शुगर ऐड नहीं की है। लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें चीनी की जगह हनी का इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें जैगरी भी डाल सकते हैं स्वीटनेस के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ नेचुरल स्वीटनेस के लिए डेट्स का इस्तेमाल किया है, इसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं की है। तो चलिए अब हम इसको इसमें 2 से 3 आइस क्यूब डालेंगे। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 ग्लास बना रहे हैं तो आप ओट्स थोड़े कम ले लीजिए। हमारी ओट्स स्मूदी एकदम तैयार है। अब हम इनको ग्लास में सर्व कर लेते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, साथ ही ये हेल्दी बहुत है। अगर आप इसको मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में या इवनिंग टाइम में लेते हैं तो ये आपको बहुत पसंद भी आएगी और आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी रहेगी। इसे हम थोड़े से कटे हुए बादाम से डेकोरेट कर लेते हैं। आप अपने किसी भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमारी ओट्स स्मूदी एकदम तैयार है। आप इसको बनाइए, पीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा